क्योंकि दोस्तों बीमारियों को काटने वाली दवा बताया जाता है आयुर्वेदा के अंदर। इसका बहुत जगह पे लिटरेचर लिखा गया है कि ये मनुष्य जो जाति है उसके लिए बहुत ज़्यादा वरदान है, और इसको रेगुलरली कंज्यूम करने से आपका शरीर तंदुरुस्त हो सकता है। तो इस छिलके को दोस्तों हम इसबगोल बोल देते हैं। इसबगोल के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं कि ये शरीर को फायदा करता है, पर आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि शरीर की किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद हो सकता है। कुछ लोग इसको चमत्कार बोल देते हैं, वरदान बोल देते हैं, पर जानते हैं कि इसकी एक्यूरेट जानकारी है क्या? कौन सी बीमारियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? इस गोल के छिलके को कितने महीने तक किस तकलीफ में आपने इसको खाना है और कैसे इसको खाना है, सारी वीडियो के अंदर हम डिटेल जानेंगे दोस्तों। तो इस गोल के छिलके को हम साइलम हस्क बोल देते हैं इंग्लिश। इसकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों वो है ये अपने से 14 गुना ज़्यादा पानी अपने अंदर सोख सकता है। शायद ही कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा इसके बिना और है जो अपने वेट से 14 गुना ज़्यादा वेट उठा सके। जैसे एक चींटी अपने से कई गुना ज़्यादा वेट उठा सकती है, ये पानी सोख सकता है। इसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं जिससे इसको दवाइयों वाले गुण मिलते हैं। जैसे याइलोज इसके अंदर 59% होता है, रेबिनोज इसके अंदर 2.3% होता है, यूरोनिक एसिड इसके अंदर 6.1% होता है, ग्लैक्टोज ग्लूकोज 3.5% होता है। तो इससे हाई ब्लड शुगर जब आपका डायबिटीज होने का भी खतरा बहुत कम है। इसके अंदर 30% म्यूसिलेज होता है दोस्तों। 30% म्यूसिलेज मतलब आपने देखा होगा कि इस गोल को जैसे ही पानी के अंदर हम छोड़ते हैं तो ये एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, गोंद जैसा बन देता है। ये गोंद ही आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त करती है। 40% इसके अंदर लिनोलिक एसिड होता है। ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी को चलता रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। 70% फाइबर है। फाइबर के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत सारी रिसर्च आजकल पब्लिश हो रही है कि फाइबर लेंगे तो आपकी आंतों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो आपको पता है कि आपकी सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जितनी भी आज के समय में मोस्टली वो आपकी आंतों के सही काम ना करने की वजह से हो रही हैं, तो इंटेस्टाइन डैमेज होने की वजह से हो रही हैं। तो इसको ये ठीक करता है, आंतों को स्वस्थ रखता है, वात और पित्त रोग को ये ठीक करता है। बहुत सारे लोगों को वात और पित्त रोगों की बीमारियां होती हैं, उसके लिए ये कारगर है। और पुरुषों के लिए तो ये नाइट फॉल के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है। अब चलते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। 9 आपको ऐसे फायदे बताने जा रहा हूँ मैं जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। सबसे पहला फायदा दोस्तों कब्ज के अंदर, इसके अंदर जो फाइबर होते हैं दोस्तों वो पानी को जब अपने अंदर सोख लेते हैं तो वो फाइबर सूज जाते हैं, बड़े हो जाते हैं छोटे से। तो आजकल की जो बीमारियां क्या हो रही हैं, हम दिन भर जो नई नई रिसर्च पढ़ते हैं कि थोड़ा खाना खाएं, तो जब हम खाने ही इतना सा खा रहे हैं तो पेट कहाँ से साफ होगा। तो हम खाना खा रहे हैं स्मॉल डाइट में, तो जिसकी वजह से कब्ज हो रही है, क्योंकि आपकी डाइट के अंदर फाइबर नहीं है। उधर से आपने कहीं ना कहीं से डिटॉक्स करने की सोच लिया है तो फाइबर आपका कम हो गया है, डाइट भी आप कम कर रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो आंत साफ किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। तो जैसे ही आप साइलम हस्क इसबगोल लेना शुरू करते हैं पानी के साथ, तो आपकी ये स्मॉल डाइट है इसका एरिया बढ़ जाता है, ये बड़े साइज में हो जाती है। तो जैसे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी चिपक जाती है, आपको पता होना चाहिए गंदगी खाने के रूप में भी चिपकती है। जितना आप छोटा छोटा पतला पतला मैदा गला सड़ा खाएंगे वो आपकी आंतों के यहाँ पे चिपक जाता है, क्योंकि ये चिपका हुआ है, छोटा है, तो इसलिए ये यहाँ से पास नहीं हो सकता आंतों का, आपका मूवमेंट क्लियर नहीं होती। तो इसबगोल लेने से आपकी ये वाला चिपका हुआ पदार्थ स्वेल कर जाता है और इसबगोल भी सूज जाता है अंदर जाकर। नेचुरली तौर पर ही इसका साइज बड़ा होता है, तो बड़ा साइज आसानी से आपकी आंतों की मूवमेंट को ठीक कर देता है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को ठीक करता है, जिससे आपकी कब्ज साफ होने लग जाती है। इसका आपने 1 चम्मच इस गोल छिलके का दोस्तों 50 ml पानी के अंदर लेना है, अगर कब्ज जैसी बीमारियों से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो ताकि ये आपकी अंदर की गंदगी को सोख सके। अगर कब्ज के लिए आप 1 गिलास पानी के साथ ले रहे हैं तो ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। 50 ml पानी के साथ लें ताकि ये गली सड़ी हुई है, जो गंदगी यहाँ पे चिपकी हुई है, इसको सोखे। तो इसको सोख कर ये बड़ा हो जाएगा और आसानी से साफ कर देगा आपकी आंतड़ियों को। और जितना आप ज़्यादा पानी लेंगे उतना ही कम असर होगा, 50 ml पानी लें। तो इससे आपकी गंदी जमा हुई जो गंदगी थी आंतों के अंदर वो साफ हो जाएगी, आपकी आंतें डिटॉक्स होगी, क्लींज होगी। इससे आपको पता है क्या क्या फायदे होंगे, आपकी स्किन की टोन बढ़िया बनेगी, मांसपेशियों के अंदर जान डलेगी, कमजोरी ठीक होगी, बहुत सारी बीमारियां पेट से ठीक होती। दूसरी जो तकलीफ के लिए काम आएगा वो है एसिडिटी और हार्ट बर्न।
इससे क्या होता है, ये इसबगोल का जब आप छिलका लेते हैं तो आपका ये पेट है, पेट के अंदर एसिडिटी और जो जलन क्यों होती है, क्योंकि पेट की अंदर वाली तह आपकी छिल जाती है, लाल हो जाती है, यहाँ पे जख्म बन जाते हैं। तो इसको इसबगोल को पानी के साथ लेने से आपकी जो पेट की अंदर की तह है इसके ऊपर एक लुब्रिकेशन, एक प्रोटेक्शन, एक लेयर बन जाती है जो क्या करती है, छालों को हील होने का टाइम देती है। आप जो भी कुछ मसाला खाएंगे वो आपके छालों के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि एक तह इसने जमा दी है लुब्रिकेशन, तो यहाँ से टकरा के आपका सारा मसाले वापस हो जाएंगे और यहाँ से पास हो जाएंगे। तो इसलिए इंडाइजेशन को तो ये ठीक करती ही करता है और आपके छालों को भी ठीक करता है, पेप्टिक अल्सर को। और काफ़ी सारे लोगों को जब तेजाब बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वहाँ से यहाँ तक आने लग जाता है, आपके गले तक तेजाब आ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा तेजाब को ये सोख लेता है दोस्तों अपने अंदर, तो वो आंतड़ियों के साथ क्लियर होके बाहर हो जाता है। तीसरा बेनिफिट इसका डायबिटीज के साथ मिलता है, इसके अंदर फाइबर तो ज़्यादा है पर इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा तो आपको शुगर डायबिटीज जैसी दिक्कतें नहीं आएगी, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को ठीक करता है और रिस्क फैक्टर को कम करता है कि आपको शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो। तो इसलिए डायबिटीज वाले भी इसको जरूर ले पानी के साथ। वेट लॉस के लिए देखा गया कि अब इसका है क्या, ये छोटे छोटे कण होते हैं और बड़े ये इतने इतने हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको भूख कम लगने लग जाती है जिससे आपका शरीर जमा की हुई चर्बी को खाने लग जाता है, तो आप पतले होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे और क्या होता है, बहुत सारे पहले से जानकारी है कि मल के साथ हम जमा की हुई चर्बी को निकाल देते हैं, तो ये फिकल फैट को इनक्रीज करता है, चर्बी आपके पेट की साफ होने के साथ ही स्टूल के साथ ही बाहर निकलने लग जाती है। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 ग्राम डोज आप इस गोल के छिलके के लिए सकते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर के लिए देखा गया 3 महीने तक इसकी रिसर्च हुई थी कि ये LDL को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसके साथ एथरोस्क्लेरोसिस को कम करता है। बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उनकी नस ब्लॉक होगी या डॉक्टर भी आपको बोलते हैं, तो उस ब्लॉकेज को ठीक करता है, एथरोस्क्लेरोसिस के चांसेस को ठीक करता है और हाई बीपी को भी ये रिकवर करता है दोस्तों। इसके बिना और इसके बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट है, जैसे कि नॉकचर्नल एमिशन है, बहुत सारे लोगों को नाइट फॉल होता है, तो मिश्री और एक ग्लास दूध के साथ इसको रात को सोते समय लेंगे तो उसके अंदर इसका फ़ायदा मिलता है। लकोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर है, महिलाओं को प्राइवेट पार्ट से जो सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलने लग जाता है लकोरिया उसको बोल देते हैं। ये क्या करता है, इस गोल जब आप लेना शुरू करेंगे तो अंदर के छिले हुए प्राइवेट पार्ट के ये प्रोटेक्शन करता है, उसको रिकवर करने का टाइम देता है, तो इससे इनर वॉल को रिपेयर मिलता है और लकोरिया ठीक होता है, ड्राई कफ को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि म्यूसिलेज होता है 30%, तो ये गला जब छिल जाता है, जब सूखी खांसी आती है तो उस छिले हुए गले को ये लुब्रिकेट करता है, ग्रीस करता है, जिससे आपकी खांसी ठीक होती है। स्किन ड्राइनेस के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए कि उनका चेहरा चमकदार चाहिए, तो ड्राई स्किन होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए, बहुत सारी और भी बीमारियाँ आ सकती हैं, इसका मतलब आपके अंदर हाइड्रेशन की कमी है। तो अगर आप इसके फाइन पाउडर को, इस गोल के छिलके का पाउडर आप कर लें, उस पाउडर को थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके अपने चेहरे की मसाज करें डेली, तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे, चेहरे का रंग भी आपका निखर जाएगा। अब चलते हैं मेन बात की, इसकी डोज क्या होनी चाहिए, कितनी लेना है आपने इसबगोल। तो मिनिमम 5 ग्राम डोज से आपको शुरू करना चाहिए, जो मॉडरेट डेज है वो 10 से 30 ग्राम चाहिए, बच्चों को जिनकी उम्र 6 साल से ऊपर है उनको 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लगभग आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, किसी भी तकलीफ के लिए दे रहे हैं आप दोस्तों, तो 10 ग्राम के ऊपर नहीं जाना है, 5 ग्राम तक ही रहना है। मैक्सिमम जो अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको कब्ज रहती है या कोई और तकलीफ हो, 40 ग्राम तक ले सकते हैं। अब इसको लेना कैसे है, लेने का भी तरीका इसका बहुत कमाल का दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि रात को 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो उसके बाद उसको पानी या दूध के साथ पी लेते हैं। इसका सही तरीका क्या है, आप 240 ml लगभग पानी ले लें या गर्म दूध भी ले सकते हैं, उसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच अपनी बीमारी की डोज के हिसाब से 5 ग्राम से शुरू करें, जितनी डोज तक इफेक्टिव होता है आप वहां तक जाएं, तो 1 से 2 चम्मच उसके अंदर जो इस गोल के छिलके को आप डाल दें दोस्तों, इसको साथ की साथ ही पी लेना है, इमीडिएटली ड्रिंक कर देना है, इसके सूजने से पहले, इसका साइज बड़ा हो उससे पहले ही डालते
वक्त ही इसको थोड़ा सा मिक्स करें, साथ ही साथ पी जाएं इसको फूलने से पहले। अगर ये फूल गया तो इसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जाके फुलाना है, हमें बाहर नहीं फुलाना है। तो इसको मिक्स करके साथ ही साथ इमिडिएटली पी लेना है। अब चलते हैं कि इसको किस तकलीफ में कितनी डोज तक लेना है। अगर आपको लूज मोशन लगे हैं तो 2 से 5 दिन के लिए मैक्सिमम आपको लेना चाहिए। अगर आपको पुरानी कब्ज है तो 3 से 5 दिन तक लेना चाहिए। आपको रेगुलरली बात कर रहे हैं तो बीच बीच में हफ्ते बाद आप फिर से ये साइकिल शुरू कर सकते हैं। एसिडिटी और जिनके पेप्टिक अल्सर हैं वो 1 से 2 हफ्ते तक इसको ले सकते हैं। तो जो लोग मोटापे को ठीक करना चाहते हैं और भूख को कम करना चाहते हैं वो 2 से 4 हफ्ते तक इसको ले सकते हैं। दोस्तों 1 महीने तक रेगुलरली इस्तेमाल करें, उसके बाद कुछ दिन बंद करके अगर मोटापे के अंदर उनको ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है तो उसके बाद दोबारा से शुरू कर लें। इसी तरह जिन लोगों को स्किन की कोई तकलीफ है वो इसके फाउन पाउडर को हमने बताया था मैंने पाउडर करके वो 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ पाउडर को मिक्स करके। जिन लोगों को नाइट फॉल है वो भी 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं कि सबसे ज़रूरी बात कि इसके साइड इफ़ेक्ट आपको क्या कुछ मिल सकते हैं। नॉर्मली सभी लोगों के साथ उनको भूख कम लगने लग जाती है, ज़्यादा डोज लेने लग जाएं 40 ग्राम तक। अब 5 ग्राम डोज लगभग दोस्तों आधा चम्मच होती है और 10 से 30 ग्राम ये 1 से 3 चम्मच होती है, ये 4 चम्मच होगी। 10 ग्राम 1 चम्मच के बराबर होता है दोस्तों, लगभग आप आइडिया इसको लगा के चलें। तो साइड इफेक्ट के अंदर ज़्यादा नहीं है, भूख कम लग सकती है क्योंकि ये अंदर जाकर फूल जाता है जिससे आपको भूख का कम एहसास होता है। दूसरा पेट के अंदर भारीपन लग सकता है। तीसरा पेट फूला हुआ थोड़ा सा लग सकता है, मतलब कि आपकी डोज ज़्यादा है, डोज को कम कर लें, इसको साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते। बहुत सारे लोग 3-3 चम्मच पहले दिन ही ले लेते हैं फिर उनको दिक्कत आती है, तो ऐसा नहीं करें, 5 ग्राम आधे चम्मच से शुरू करें। अब रेयरली बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया है कि जब डोज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उनको उल्टी आने जैसा महसूस हो सकता है, चेस्ट में उनको टाइटनेस हो सकता है, छाती के अंदर की कुछ खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है, इचिंग भी हो सकती है। ये रेयरली है कि ये सिम्टम ऐसे मिले। होप है दोस्तों अलग अलग 9 फायदों के बारे में आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी, कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको पता लग गया होगा। और डायरिया के लिए मैं आपको बताना भूल गया, जिनको लूज मोशन लगे रहते हैं तो वो इसको ठंडे पानी के साथ लें, वो गर्म पानी के साथ थोड़ा सा ना लें, ठंडे पानी के साथ लें। बाकी लोग अलग अलग तकलीफों के लिए जितने हमने डिस्कस किया है, ल्यूक वार्म थोड़ा सा कोसा पानी चाहिए हमें, गुनगुना पानी चाहिए, तो उससे आपको बहुत बढ़िया फायदे मिलेंगे। दोस्तों इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज हैं दोस्तों, आपके गठिया एलर्जी अस्थमा ब्रेन ट्यूमर कैंसर हार्ट के किसी के वाल्व खराब हैं, गुड़ के फायदे क्या हैं, दालचीनी के फायदे क्या हैं, अर्जुन छाल के फायदे क्या हैं, क्योंकि अर्जुन छाल से भी बहुत सारे लोगों को ज़्यादा डोज लेने से साइड इफेक्ट हो सकती है, चीनी खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, सभी वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहुँचती रहे।